सारी चीजें। हाँ क्या हुआ? उन्होंने पॉलिसी करी थी उस टाइम तो बड़ा अच्छा अच्छा बता कि वो एक्चुअल में वैसी करी है पॉलिसी या फिर नहीं करते ना सर, अपन मना नहीं करते, तो ये सबसे बेस्ट चीज। करवाने के बाद भी भाई 2700 रुपए का खाली बिल बना। ये आपने उल्टा लगा दिया यार एयरलाइन। नहीं नहीं उल्टा नहीं है सर, अपनी गाड़ी को इतना ऊपर खड़े हुए देख रहा हूँ। आज भी मुझे आज ऐसा लगा कि मैं जैसे कोई फर्स्ट टाइम गाड़ी लेने के लिए नहीं आते जब, तो बिल्कुल वैसा लगा। और फिर उसमें ये कैप, तो ये भी i20 N लाइन का इसका खुद का कैप है। तो जस्ट अभी गाइस घर से निकला हूँ मैं और मम्मी बाय बाय कर रही है, बाय 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 बाय। और यहाँ थोड़ा एक स्लोप जैसा है, यहाँ से थोड़ा धीरे से निकालना पड़ता है क्योंकि आगे अपन ने स्प्लिटर लगा लिया ना गाड़ी में, तो उस चक्कर में। राम राम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल चाल है सबके। आज तुम्हारा भाई फिर से जल्दी उठ गया है। एक्चुअल में जल्दी उठने का कारण ये है कि आज अपनी i20 N लाइन की सेकेंड सर्विस है, जो कि मैं हंसने वाली बात है कि एक साल बाद करवा रहा हूँ आज सर्विस। मतलब सेकेंड सर्विस गाड़ी को लेने के एक साल बाद आज करवा रहा हूँ। और भाई सच बताऊं तो एक साल में भी मैंने अभी तक ये गाड़ी 7000 किलोमीटर भी नहीं चलाई, और ये 10000 किलोमीटर पे सर्विस होती है क्योंकि इस गाड़ी की ड्राइविंग बहुत कम है, इसको मैं ड्रिवन बहुत कम करता हूँ। ये सिर्फ मैंने शौक मौज के लिए ली है, क्योंकि आपको पता है मॉडिफाइड गाड़ी अपन हर जगह पे खड़ी कर नहीं सकते हैं। और यही चीज है यार इस, मतलब एक बार मैं ना कोई शादी में गया था, तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बार एक शादी में गया था, तो वहां मैंने गाड़ी सिर्फ पता है मुश्किल से मुश्किल आधा घंटे के लिए पार करी थी। आप जो उस साइड का ब्लाइंड स्पॉट मिरर देख रहे हो ना, इस साइड का ब्लाइंड स्पॉट मिरर कोई निकाल के ले गया भाई, सिर्फ आधा घंटे के अंदर अंदर ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर ले गया। और आगे वाली जो क्लिप्स वगैरह मैंने लगा रखी है वो भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। मैंने कहा अगर मैं इसको एक दो घंटे खड़ी कर देता तो गाड़ी के सब पार्ट लोग निकाल के चले जाते। तो यही है अभी GRD Hyundai जहाँ से अपन ने गाड़ी परचेस की थी, तो मैंने यही सोचा कि वहीं से ही गाड़ी की सर्विस भी अपन कराएंगे। और यहाँ से सीधा अपन अभी जोधपुर की तरफ जा रहे हैं, और यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उन्होंने 10:30 बजे बुलाया था और अभी देखिए क्या बज गए, 11:45 होने वाले हैं। और इसी के साथ अभी बस चलते हैं। मैं तो फटाफट एकदम उठा, नहाया धोया फटाफट जैसे तैसे। एक तो भाई इतनी ठंड पड़ रही है ना, नहाने में मौत ही आती है, सच में मौत आ जाती नहाने में। पर वही है कि यार एक फ्रेशनेस फील नहीं होती। और ये जो लंबे बालों का जो मैंने अभी नया अपना जो सोचा है ना कि लंबे बाल करेंगे KGF टाइप के और ऐसे, मतलब थोड़े से लॉन्ग हेयर्स, भाई कसम से हालत खराब हो जाती है लॉन्ग हेयर्स को कैरी करने में, बहुत दिक्कत आती है भाई, बहुत दिक्कत आती है। और अब सीधा आपको मिलता हूँ मैं अपने GRD Hyundai के शोरूम सेकंड सर्विस के लिए। और कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, एकदम सीधा स्ट्रेट सर्विस सेंटर अपन जा रहे हैं, बुक करवा दी थी गाड़ी। जो भी मेरा Hyundai में सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि भाई ये Hyundai की सबसे यूनिक कार है, i20 N लाइन है, तो इसको कैसे वो लोग देखते हैं, कितने मतलब कितने समय में मेरे को गाड़ी कंप्लीट करके देते हैं। और इसमें मैंने एक चीज़ और करवाई है, जो इसके सारे भी प्लास्टिक पार्ट्स हैं, जो इसके ब्रेक, ये जो ब्रेक पैड्स वगैरह है सबकी एक 5000 रुपये पहले लगते हैं, साल भर पहले जब अपन गाड़ी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अपन मतलब ये सीन रहता है कि अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड्स ख़त्म हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो आप उसको बदलवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अपन ने एक बार 5000 रुपये दे रखा है। तो अब देखते हैं कि वो जो इन्होंने पॉलिसी करी थी उस टाइम तो बड़ा अच्छा अच्छा बता कि वो एक्चुअल में वैसी करी है पॉलिसी या फिर क्या एक्सपीरियंस रहता है, सब आपको आज दिखाऊंगा। और इसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा भाई कि आने वाले समय में Hyundai की फ्यूचरिस्टिक कार्स बहुत सारी आ रही है, EV आजकल बहुत सारी, मतलब मैंने देख रहा हूँ अभी एड में ये क्यूब का एक करके है और 2-3 और है, तो बहुत सारी आ रही है। और भाई फिर से चश्मा खोल के बात कर रहा हूँ, नहीं तो लोग कहते हैं भैया आप जब भी वीडियो बनाते हो चश्मा पहन के बनाते हो, ये आंधे वंधे तो नहीं हो ना। तो देखो ये रहा और ये अब, क्योंकि भाई सुबह सुबह सही बता रहा हूँ आंखें खुलती नहीं है, और सीधा धूप का एकदम फेस करना ना भाई बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर सिर्फ आप लोगों के लिए मैं चश्मा खोलता हूँ, जिससे ये ना लगे कि मैं मेरे को अंदर मतलब थोड़ा कम दिखाई देता है या ऐसा कुछ। तो ये चश्मा एक यार मेरी हैबिट बन चुकी है। तो भाई बहुत बात कर ली,
अब सीधा आपको मिलता हूँ जेआरडी ह्यूंडई। तो गाइस अभी अपन ने वापस से आ चुके हैं अपने जेआरडी की शोरूम और ये अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस है। हमेशा की तरह अपने सर मिल चुके हैं। हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया सर, आपका? और मैं यार आज गाइस थोड़ा स्पॉन्सर के चक्कर में लेट हो चुका था, फिर भी सर ने गाड़ी ले ली। और जेआरडी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कभी किसी कस्टमर को मना नहीं करते ना सर, अपन मना नहीं करते, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी। तो अभी का क्या प्लान है गाइस कि अपन यहाँ पे गाड़ी वगैरह दे देंगे भैया को और सर्विस करके दे देंगे। प्रॉपर सेकंड सर्विस है। सेकंड सर्विस में क्या क्या चेंज होता है? मतलब सर, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑन कंडीशन देखेंगे, अगर रिक्वायर्ड है तो हम चेंज करेंगे उसको। ओके ओके सर। और ये सर को तो आप जानती है, जब अपन ने गाड़ी ली थी तभी सर अपन से मिले थे और बहुत अच्छा व्यवहार है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ। और आज अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस है तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट भी कर रहे थे कि आपकी गाड़ी की सेकंड सर्विस बताना, क्योंकि अपनी i20N लाइन है तो इसमें क्या रहता है, कैसे रहता है। तो जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप एक बार विज़िट करिए शोरूम और सर्विस वगैरह देखो। यार गाइस, गाड़ी लेने से ज़्यादा गाड़ी की सर्विस मायने रखती है कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो वही एक्सपीरियंस के नाते मैंने ह्यूंडई की गाड़ी ली थी और मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ह्यूंडई की सर्विस एक नंबर होती है और ये चीज़ आज पता चल रही है मेरे को। और अभी अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ हुई है। और बस सर, थैंक यू सो मच आपका। और तो यहाँ का कुछ आपको मैं बता देता हूँ, ये जो है यहाँ पे वर्कशॉप है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सर्विस होती है, ये यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग और जो भी मैनेजमेंट सर्विस से रिलेटेड है वो यहाँ पे, और इसके जो पीछे वाला है ना वहाँ पे शोरूम है। ये जितने भी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं सारी न्यू हैं, ये सब यहाँ से फिर सेल आउट होके आगे जाती हैं। और अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, अभी ये सर्विस के अंदर जाएगी और फिर देखते हैं क्या कैसे सर्विस होती है अपनी गाड़ी। तो ये एसी फिल्टर है और बता रहे हैं सर काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई ना इसमें, तो ये क्या मतलब सर, बदलाते रहते हैं क्या अपन ये फिल्टर? मतलब कैसा रहता है ये फिल्टर का, कितना किलोमीटर तक ये होना चाहिए? कोई लिमिट नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये जितना डस्ट, अच्छा जितना डस्ट होता है उस हिसाब से डस्ट को ऑब्जॉर्ब करता है ना, इसकी वजह से मेरा ब्लोवर चोक होने से बच जाता है। अच्छा अच्छा, ब्लोवर के जस्ट ऊपर लगा होता है, फैन की सारी डस्ट एयर फिल्टर में आती है, एसी फिल्टर में आती है। अच्छा अच्छा, ये चोक हो जाता है, मेरा ब्लोवर चोक होने से बच जाता है, क्योंकि ये तो सस्ता है, अप्रॉक्स करीब होगा 300-400 का समथिंग, 300-400 जो है मेरा करीब 7-9,000 के अप्रॉक्स। ओके ओके ओके, तो ये सेकंड सर्विस में इंक्लूडेड रहता है कि इसका भी कोई मतलब कॉस्ट है क्या? इसका कॉस्ट है ना, आपकी सेकंड फ्री सर्विस में सर्विस की जो लेबर होती है वो फ्री जाती है, फ्री जाती है, बाकी पार्ट्स अमाउंट, ओके ओके, अमाउंट ये आपके द्वारा पेबल रहता है। ओके ओके, ठीक है सर। भाई यहाँ की सबसे प्रीमियम बात मेरे को यही लगती है कि यहाँ का कस्टमर लॉन्च भी कितना अच्छा सा बना रखा है। OS फोर्ड या महिंद्रा वहिंद्रा में जाओगे ना तो एकदम कैसा ही रहता है, प्रॉपर TV चल रही है, कॉफ़ी का वहाँ पे है। यहाँ पे अगर आपकी कोई भी गाड़ी वगैरह हो तो यहाँ पे बन रही रहेगी तो आपको यहाँ से दिखता रहेगा सारी चीज़। और अभी सर से मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि एक टूर देने का इधर, मतलब अपने सर्विस लॉन्च में। गाड़ी लेने से ज़्यादा गाड़ी की सर्विस मायने रखती है भाई सबसे ज़्यादा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गाड़ी खाली लोग बेचने में लगे रहते हैं पर एक्चुअल में जो सर्विस मेन होती है ना भाई वो मेन होती है। और मेरे को मेरी कार लिए हुए 1 साल हो गए और अभी तक भाई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और आज भी मैं यहाँ पे आया तो जैसे फर्स्ट डे बिहेवियर था वैसे भी आज भी वैसे ही है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी तो आपको मैंने कस्टमर लॉन्च वगैरह बता दिया था जहाँ पे सब बैठ सकते हैं, अब मैं पीछे एक बार आपको इसका जहाँ पे गाड़ी वगैरह सर्विस होती है ना तो अब ह्यूंडई का वहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से लिखा पड़ी होती है और पूरी सर्विस हो रही है गाड़ियाँ सारी। और अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है ना सर, वो सबसे पीछे, वो अपनी गाड़ी वहाँ पे लग चुकी है और सर्विस हो रही है और प्रॉपर नीट एंड क्लीन है। यार अगर आपकी गाड़ी अच्छी आपने ली है तो आप यही चाहोगे कि आपकी गाड़ी जहाँ भी खड़ी रहे साफ़ सफाई में खड़ी रहे, तो प्रॉपर नीट एंड क्लीन है यहाँ पे। और अपनी गाड़ी भी यहाँ पे एक्चुअल में लग चुकी है और जो भी सर सर्विस वगैरह सारी यहीं पे होती है प्रॉपर। इस पार्ट में हमारी सर्विस वगैरह होती है जी जी, और हमारा सेकंड पार्ट है जहाँ हमारा बॉडी शॉप स्टाफ है। ओके, डेंटिंग पेंटिंग वहाँ पे होती है ना सर, जस्ट बगल में ही। और यहाँ पे प्रॉपर पूरा सर्विस से रिलेटेड है ना सर, यहाँ हमारा सर्विस से रिलेटेड, अभी हम आपको बॉडी शॉप दिखाते हैं। प्रॉपर नीट एंड क्लीन है, हाँ प्रॉपर नीट एंड क्लीन है और भैया लगा रहे हैं गाड़ी। और ये कुछ ऐसा आप लोग भी कह रहे थे, कमेंट करके कह रहे थे कि भाई दिखाना कि सर्विस की जहाँ पे गाड़ी अपनी सर्विस होती है वो जगह कैसी है और क्या रहता है, क्योंकि यार आपने हर शोरूम मतलब
जो भी बंदों ने गाड़ी ली है, कोई ने फोर्ड की ली होगी, कोई ने महिंद्रा की गाड़ी ली होगी, तो सबको पता रहेगा कि भाई कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस रहता है या क्या साफ़ सफाई रहती है। तो मैंने आपको हुंडई का भी दिखा दिया, JRD हुंडई अपने जोधपुर में, तो यहाँ का कुछ ऐसा सीन है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये। अच्छा, जो मेजर पार्ट होते हैं जैसे सपोज दैट इंजन के पार्ट आ जाते हैं, सस्पेंशन के पार्ट आ जाते हैं, कुछ पार्ट ओके जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते तो हम उनको ऑर्डर करके डायरेक्टली फिर मंगवाते हैं। तो भाई यहाँ पे जेन्युइन पार्ट भी मिलते हैं भाई, जिसको ओरिजिनल चीज़ चाहिए हुंडई की चाहिए, तो सर इसमें बम्पर वगैरह भी मतलब इंक्लूड रहता है सारी चीज़ें ना, सारी जैसे अगर हमारे स्टोर में अवेलेबल है। तो भाई किसी को अगर जेन्युइन पार्ट भी चाहिए ना अपनी अगर हुंडई कार का, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ मतलब मिलती है अपने कार के एसेसरी से लगाकर, पार्ट से लगाकर, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाती है। गाड़ी को इतना ऊपर खड़ा हुआ देख रहा हूँ और मैं भी आज पहली बार ही देख रहा हूँ कि भाई अपनी कार नीचे से कैसी है। आपको भी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी अपनी गाड़ी है नीचे से, ऊपर इसमें एग्जॉस्ट का पाइप लगा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे आज पहली बार मुझे पता चला कि टैंक वगैरह इस साइड में लगा हुआ है। हाँ, ये हमारा JRD हुंडई का स्टोर है, यहाँ पर आपको जेन्युइन पार्ट्स मिलेंगे हुंडई के। सारे पार्ट हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, सर्विस के, मैकेनिकल पार्ट एंड डेंटिंग पेंटिंग के सारे, हर गाड़ी के हुंडई के सारे पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। जी जी, आप JRD हुंडई में कभी ना कभी विजिट करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं सर बिल्कुल विजिट करेंगे, और जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी आज पता चल गया होगा कि भाई हुंडई की कार ही खाली अच्छी नहीं होती, उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी होती है और एक एक चीज़ में क्लास है। और जो भी चीज़ आपको जेन्युइन पार्ट यहाँ से बाय करने हैं, आप अपने यहाँ से पार्ट्स वगैरह बाय कर सकते हैं और बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में। पहले मैं और हमारे बाबा श्री बैठे हुए थे, पर अब हमारे साथ ऐड हो चुके हैं हमारे दीपक और अपने वन एंड ओनली हरियाणवी भाई। क्या ढंग से भाई, क्या हाल है, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, तो पांडे भाई ने फॉलो करो भाई, जरूर जरूर फिर से फॉलो कर दो। तो बस यही है भाई, अभी एक एक लूडो का हमने चैलेंज है कि भाई एक एक लूडो का चांस करते हैं और जो लूडो में जीत गया पार्टी वो देगा, जो जीत गया वो देगा पार्टी, जो हारेगा वो पार्टी देगा बाबा। हाँ, चाय की पार्टी देगा भाई वो, ठीक है आज। चलो ठीक है, लूडो में शर्त तो लगा दी पर हार मैं ही रहा हूँ सिर्फ एक खुली, वो भी एक बार पीट दी थी भाई ने मेरे को। अभी फिर से अभी भी कोशिश जारी है पर अभी छह आ नहीं रहे यार, एक एक ही आ रहे। ये देखो दीपक के छह में छह ही आ रहे, सबसे पीछे था। और अभी देख लो एट प्रेजेंट तुम्हारा भाई कहाँ पे लीड कर रहा है, ये वाली मेरी है प्लेयर वन पे भाई, तुम्हारा भाई लीड कर रहा है, तीन विन कर लिए, एक लास्ट बाकी है। हाँ भाई आ गया स्वाद भाई, मैं तो जीत गया और कितने गजब तरीके से मैं जीता हूँ, पर भाई दीपक का तो ऐसा कोड लग गया, दोनों चीटिंग कर रहे हैं, मेरे पे निशाना लगा। अनमोल भाई ने तो भाई क्या मारा है सबको, बहुत भयंकर मार रहे यार ये सबको, और बाबा श्री का देखो इनके तो दिल पे आज हार्ट अटैक ना आ जाए बाबा श्री को। हाँ, गोटी अंदर नहीं जाने दे रहा, बधाई बधाई, गलत बात है। अपनी ब्यूटी एकदम हो गई तैयार, बहुत ज़्यादा चमक रही है भाई, बहुत तगड़ी लग रही है। क्या इसमें पॉलिशिंग वगैरह भी हुई हुई है, तो काफ़ी तगड़ी लग रही है। और इसमें एन लाइन के भी एक छोटी सी एसेसरीज लगाई है अपन ने, ये डोर गार्ड कहते हैं ना इसको अपन ने, देखो डोर गार्ड इसके खुद के i20 एन लाइन के खुद के हैं, लगाया भैया ये आपने उल्टा लगा दिया यार एन लाइन। अच्छा नहीं है, ऐसे लगता, अच्छा ऐसे लगता, सॉरी मैं सोचा उल्टा लग गया ये, तो ये यहाँ पे लग गया है भैया ने, अब यहाँ से लगा रहे हैं। और काफ़ी अच्छी गाड़ी सर्विस हो गई अपनी, और अगर इसका अप्रोक्सी आपको मैं बिल वगैरह बताऊँ ना, तो इसका अप्रोक्सी बहुत ज़्यादा बिल नहीं बना, टोटल गाड़ी की सारी सर्विसिंग वगैरह सब कुछ मिलाकर मतलब A to Z, और दो चार चीज़ें अपन ने गाड़ी में और चीज़ करवाई, मतलब इसके जो AC फिल्टर्स वगैरह होते हैं, और तो AC फिल्टर्स वगैरह और भी दो चार मतलब सारी, जैसे कि ये अपने ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें, सब कुछ करवाने के बाद भी भाई 2700 रुपये का खाली बिल बना। मतलब इतनी प्यारी और लो मेंटेनेंस गाड़ी मैंने भाई आज तक नहीं देखी, साल भर चलाने के बाद अगर सिर्फ 2700 रुपये का बिल आ रहा है तो भाई क्या माड़ा है। एक बात बताओ, कोई भी कंपनी की गाड़ी आप खरीद लोगे 5 से 10 हज़ार के नीचे तो आती ही नहीं है, और ये अपनी गाड़ी
इतना अच्छा मतलब इसका मेरे को लगा ना भाई, दिल से जो मेरे को लगा मैंने आपको बता दिया। और अपन ने एक एसेसरीज इसमें और ऐड कराई थी, ये आप देख रहे हो इसमें ये कैप, तो ये भी i20N लाइन का इसका खुद का कैप है, तो ये मेरे को काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई गेट पास ले लिया अपन ने और इसका बिल आ गया सारी जगह। हाँ क्या हुआ और भाई गाड़ी एकदम चमाचम हो गई है, और थोड़ा सा ये साइड से इसका निकल रहा है ना, इसका फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा। और अपन ने जो एसेसरीज लगाई थी एक ये देखो ये वाली एसेसरीज लगाई और और ये यहाँ पे व्हील कैप, बाकी टोटलिंग सारी सर्विस हुई है। और वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू सो मच, फिर से बहुत अच्छा लगा, साल भर बाद में आ जाए हो यहाँ पे, और साल भर बाद भी मुझे आज ऐसा लगा कि मैं जैसे कोई फर्स्ट टाइम गाड़ी लेने के लिए नहीं आते जब, तो बिल्कुल वैसा लगा। और सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, सर ने मेरी आज बहुत मदद की है, मतलब ए टू जेड दोनों सरों ने बहुत मदद की, और जितने भी यहाँ का होल स्टाफ है सब, तो बहुत अच्छा लगा भाई, एकदम सेटिस्फाइड। और भाई अगर साल भर बाद भी गाड़ी में अगर मेंटेनेंस सिर्फ 2700 रुपये की आ रही है, वो भी 2700 रुपये क्यों, क्योंकि मैंने 2-3 एसेसरीज भी उसमें लगवा लिए, अदरवाइज तो 2000 में मेरा काम हो गया। तो भाई गाड़ी जितनी गाड़ी अच्छी है उतनी यहाँ की सर्विस भी अच्छी है, और जेन्युइन बहुत अच्छी कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में है। तो अगर आपको भी कोई भी गाड़ी Hyundai की बाय करनी है तो आप JRD Hyundai अपने जोधपुर में विजिट कर सकते हैं, मैं इसका प्रॉपर गूगल लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसको लोकेट करके यहां पे आ सकते हैं। और थैंक यू सो मच JRD Hyundai।